प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह एक बार आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु सुंदर सर पर। और आप सब बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार प्यार। और बच्चों बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट एक बार आपके सामने है, कंसेप्ट ऑफ वेरी और मच का। ठीक है, देखिए सबसे अहम बात होती है कि इंसान दो चीज़ के लिए काम करता है या दो कारणों से काम करता है, या तो उसको इंकरेजमेंट मिलता है या उसको पैसा मिलता है। पैसे की हमें ऐसे ज़्यादा इच्छा नहीं है, बस इंकरेजमेंट आपको चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल पर जो है, जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ताकि एजुकेशन सभी तक पहुंच सके। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन सब तक पहुंच सके, वो तब तक कब पहुंचेगी जब आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे इसमें। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वेरी और मच का प्रयोग आप अच्छी तरह जानते हैं। दोनों ही वर्ड जो है, चाहे वेरी है चाहे मच है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर भी होता है सेंटेंस में और एडवर्ब के तौर पर भी होता है। और कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर या क्लोज टेस्ट में आप इनको किस प्रकार से फिगर आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हो कैसे कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू लेट यू नो ऑल द स्टेटिस्टिक्स जो है इन दिस रिगार्ड। तो सारी जानकारी मैं आपको इम्पार्ट करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। और बच्चों हमने इसको दो पार्ट बांट दिया है, पार्ट वन और पार्ट टू, ताकि एक पार्ट में आपको समझा सके कि एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करना है इनको एडजेक्टिव के तौर पर, और दूसरे पार्ट में ये समझाया गया है कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम एडवर्ब के तौर पर कैसे करेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एडवर्ब वाला जो है अगला पार्ट टू वो जरूर देखिए, अगर इसकी परफेक्ट नॉलेज लेनी है। अगर आप केवल पार्ट वन ही देखते हैं, ठीक है, तो उससे नॉलेज में परफेक्शन नहीं आएगा। और पुरानी कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो वी हैव टू अटेन परफेक्शन इन आवर कॉग्निशन। तो नॉलेज में हमें परफेक्शन प्राप्त करना है, और वो कैसे होगा जब दोनों पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कोट ऑफ द डे क्या है जी। देखिए यह है कोट ऑफ द डे, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वी लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस वन। तो भाई क्या है वो हम समझ लेते हैं, जरा देख लीजिए। वो है बच्चों एक क्लियर विजन, एक स्पष्ट दृष्टिकोण जो है। अगर आपका दृष्टिकोण स्पष्ट है, बैक्ड बाय डेफिनेट प्लान्स, ठीक है, वो हमेशा उसके पीछे डेफिनेट प्लान्स होते हैं, निश्चित योजनाएं होती हैं। ठीक है, एक क्लियर विजन बैक बाय डेफिनेट प्लान्स गिव्स यू ए ट्रेमेंडियस फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आपका दृष्टिकोण स्पष्ट है और उसके पीछे जो है एक निश्चित योजना के साथ आप लाइफ में चल रहे हैं, तो उसको आपको अत्यधिक ट्रेमेंडियस क्या होता है, अत्यधिक, ठीक है, आत्मविश्वास देता है, आत्मविश्वास की फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, और पर्सनल पावर और व्यक्तिगत हमें शक्ति या सामर्थ्य प्रदान करता है। बात समझ गए? तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस पावर जनरेट होती है वो किससे जनरेट होती है, जब हमारा दृष्टिकोण क्लियर होता है, हमारा विजन क्लियर होता है, और हम एक निश्चित योजना के तहत उस पर कार्य कर रहे होते हैं जीवन में। बात समझ गए बच्चों? तो वी हैव टू इवॉल्व ए क्लियर विजन टू सस्टेन हाई कॉन्फिडेंस, ए ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबस्टेंस ऑफ दिस वन। ये इसका पूरा भावार्थ हो गया, सारांश हो गया। तो सीख मिल गई आज की, एनर्जी मिल गई आपको, तो एक प्रकार से एनर्जी बूस्टर था आपके लिए। तो चलिए अब कंसेप्ट शुरू करते हैं बच्चों। ये है आपका वेरी मच को लेकर के कंसेप्ट, और क्या है समझिए, हम इसमें प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसका, समझ लीजिए। पहले शुरू से समझते हैं, वो स्क्रीन थोड़ा हिल गया था। देखिए अब बच्चों, वेरी मच का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एंड एडवर्ब के रूप में होता है। तो ये आपको स्पष्ट कर दिया हमने यहाँ पे कि ये दोनों रूप में होता है, चाहे वो एडजेक्टिव है चाहे एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और एडवर्ब के रूप में भी होता है, दोनों तौर पर होता है, राइट। और सबसे पहले एडजेक्टिव के रूप के तौर पर इनका प्रयोग, तो पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि भाई एडजेक्टिव के तौर पर इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो वेरी है चाहे मच है। तो पहले हम किसको ले रहे हैं बच्चों, वेरी को, कि इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पर कैसे कर सकते हैं। वेरी हमारा एडवर्ब भी होता है, आप जानते हैं कि वेरी से पहले अगर आप द आर्टिकल लगा देते हैं, द आर्टिकल यदि प्रयोग कर देते हैं, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, तो बताया गया, मैंने जो स्पष्ट दर्शा दिया, बता दिया है, द वेरी का प्रयोग सेंटेंस के सेंस ऑफ इम्फेसिस। इम्फेसिस क्या होता है, इम्फेसिस होता है फोर्स करना, किसी बात पर बल देना, ये फोर्स को प्रदर्शित करता है। बल देते हैं हम किसी बात पर, उसको प्रदर्शित करता है। और आप बच्चे जानते हैं इम्फेसाइज वर्ब होती है, और इम्फेसिस क्या होता है, इट्स ए नाउन इन इट्सेल्फ, ये अपने आप में नाउन होता है।
बात समझ गए बच्चों? तो द वेरी का प्रयोग सेंटेंस के सेंस ऑफ इम्फेसिस को प्रदर्शित करता है। जब हम किसी चीज पर बल दे के कहते हैं, जोर दे के कहते हैं, वहां पर द वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? नाउन या प्रोनाउन से पहले। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी आई केम टू नो यस्टरडे। ये वही कंसेप्ट है बायोलॉजी का जिसके बारे में मैं मुझे कल ही जानकारी मिली। तो यहाँ पर जो है द वेरी आया बच्चों ये रहा, और यहाँ पर जो कंसेप्ट है इट्स ए नाउन। ये कैसा काम कर रहा है सेंटेंस में? नाउन का। तो द वेरी यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है? किससे पहले प्रयोग हुआ है? नाउन से पहले। और यहाँ पर इसका कार्य कैसे हो गया? यहाँ पर इसका कार्य हो गया बच्चों एडजेक्टिव की तरह। तो अगर कोई आपसे पूछता है सेंटेंस में एरर है नो एरर, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है। समझ में आया? ये पढ़ने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन द वेरी यहाँ पर स्थिति के ऊपर क्या कर रहा है? इम्फेसाइज कर रहा है, बल दे रहा है एक प्रकार से। सो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द सेंस ऑफ इम्फेसिस, ये बल को प्रदर्शित करता है। आगे चलें तो इस सेंटेंस में बच्चों नो एरर। आगे देखिए इसका दूसरा पार्ट, अगला कंसेप्ट जो इसी का। अब बच्चों आपके सामने है दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी अकरेंस। अब भाई कहेंगे अकरेंस क्या होता है? तो अकरेंस होता है बच्चों इंसिडेंट, जो घटना होती है उसको हम कहते हैं अकरेंस। दिस इज द वेरी अकरेंस विच टुक प्लेस यस्टरडे इन द सिटी। ये वही घटना है जो कल शहर में घटित हुई, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों वेरी यहाँ पर आया, और जबकि ये क्या हमारा अकरेंस हमारा कैसा काम कर रहा है? इट इज़ फंक्शनिंग लाइक ए नाउन, नाउन का काम कर रहा है। तो वेरी आएगा, द वेरी आएगा, द वेरी का प्रयोग करेंगे। क्यों द वेरी क्यों आएगा? क्योंकि अब एडजेक्टिव के तौर पर वेरी का प्रयोग होता है, तो इससे पहले वी हैव टू इम्प्लीमेंट और वी हैव टू अप्लाई द आर्टिकल, इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। बात समझ गए? और किसको प्रदर्शित करता है? सेंस ऑफ इम्फेसिस, जब हम किसी चीज़ पर बल देते हैं उसको। तो ये कह रहा है ये बिल्कुल वही घटना है, ये वो विशेष घटना है। तो विशेष या बिल्कुल वही जो है ये बल को दर्शाते हैं, दे रिफ्लेक्ट द सेंस ऑफ इम्फेसिस। आगे चलिए, तो इस सेंटेंस में एरर क्या हुआ बच्चों? ए में हो गया, द आर्टिकल आएगा, बात याद रहेगी आपको, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज द वेरी इंस्ट्रूमेंट दैट आई फिगर्ड आउट इन द वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम, गोदाम जो इसको गोडाउन कहते हैं, गोदाम को वेयर हाउस कहते हैं। और फिगर आउट आप जनता बच्चे जानते हैं, फिगर आउट क्या होता है बच्चों? फिगर आउट होता है फाइंड आउट, ये मैं मिटा देता हूँ। तो फिगर आउट होता है क्लास फाइंड आउट, फाइंड आउट ये है जी फिगर आउट, फाइंड आउट करना किस चीज़ को। तो बच्चों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कैसा काम कर रहा है ये मैं मिटा देता हूँ, ये आप नोट कर लिया होगा। ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ कैसा काम कर रहा है? इट इज़ फंक्शनिंग लाइक ए नाउन, और नाउन से पहले आप मुझे बता दीजिए किसका प्रयोग होगा? एडजेक्टिव का। तो द वेरी यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ फंक्शनिंग लाइक एन एडजेक्टिव इन दिस फॉर्मेशन, इस संरचना में इसका प्रयोग आप कैसे करें? एडजेक्टिव के तौर पर। तो सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है? तो बच्चों करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर। समझ में आई बात जो है? आगे चलिए, तो ये हुआ वेरी का प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पर कैसे कर सकते हैं, और वेरी का एडवर्ब के तौर पर कैसे प्रयोग होगा वो कहाँ टीच करूँगा? पार्ट टू में इसके जो है। आगे देखो, मच का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, तो मच का प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पे कैसे कर सकते हैं? आई एम गोइंग टू लेट यू नो दिस वन राइट नाउ, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो चलिए समझ लेते हैं। सेंटेंस है आई हैवंट मच इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। अब क्लास यहाँ पर जो वर्ड है इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ कैसा कार्य कर रहा है बच्चों? नाउन की तरह। और नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है? नाउन से पहले प्रयोग होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है जी? एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको बता दिया। बात स्पष्ट हो गई? तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है? तो बच्चों सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि नाउन से पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आई आप लोगों को? एक एक पॉइंट स्पष्ट कर दिया है, डाउट बिल्कुल ना रहे। चलिए आगे इसमें चलते हैं, अगला कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। तो बच्चों ये कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, टीच करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल और है इसको स्पष्ट करने के लिए। वी हैवंट मच एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन हाउसेज एज वेल एज फॉर द आउटर अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो बच्चों आप देख रहे हैं मच, मच किससे पहला है? एनर्जी। और सेंटेंस में एनर्जी कैसा कार्य कर रही है?
कैसा कार्य कर रही है, नाउन की तरह, और नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है, कौन अप्लाई होता है, एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है जी, सेंटेंस कंप्राइजेस नो एरर एट ऑल, तो इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, डू यू हैव मच लगेज इन दिस आउटिंग फॉर द कश्मीर। कश्मीर से पहले द आर्टिकल लगा दीजिए, कश्मीर से पहले द आर्टिकल आता है, तो दो स्टेट ऐसे कश्मीर और पंजाब, उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। सो वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस वन, इससे हम परिचित हैं। और बच्चों कोई आपसे पूछता है भाई आउटिंग क्या होता है, तो आउटिंग होता है विजिटिंग। आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसको हम आउटिंग कहते हैं बच्चों, विजिट करने जाना, कहीं घूमने जाना, दैट इज सेड टू बी आउटिंग, वो आउटिंग कहलाता है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर है, नो एरर? तो इसमें बच्चों नो एरर, बात समझ आई? और वैसे भी लगेज और एनर्जी हमारा हुआ, इन्फॉर्मेशन कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है, और मच का प्रयोग जो है किससे पहले होता है, एडजेक्टिव के तौर पर, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जिसमें आप एस और यस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये हम पहले से ज्ञात है। अच्छा एक बात आपने नोट की, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आई हैव मच वाटर फॉर दिस एफोरेस्टेशन प्रोसेस इन माई गार्डन। एफोरेस्टेशन, कोई आपसे पूछता है भाई एफोरेस्टेशन क्या होता है, तो एफोरेस्टेशन होता है बच्चों प्लांटेशन, प्लांटेशन वो एफोरेस्टेशन कहलाता है। प्लांटेशन क्या होता है बच्चों, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण को, पेड़ लगाने को हम एफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जितने भी सेंटेंस आपने अब तक लिए हैं उसमें मच का प्रयोग आपने या तो नेगेटिव फॉर्म में किया या फिर आपने किस में किया, यहाँ पर इंटरोगेटिव फॉर्म में किया। ध्यान देने वाली बात है ये, मच का प्रयोग या तो आपने नेगेटिव फॉर्म में किया या इंटरोगेटिव फॉर्म में। लेकिन बच्चों निष्कर्ष ये आता है कि मैनी, यहाँ देखो मैनी मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ध्यान देंगे इस बात पर, सेंटेंस की एफर्मेटिव फॉर्म के साथ नहीं किया जा सकता। मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, एफर्मेटिव, एसरेटिव, सकारात्मक अवस्था। तो एफर्मेटिव फॉर्म कह लीजिए, सकारात्मक अवस्था हिंदी में आप कह लीजिए, उसके साथ मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता। मैंने साफ मेंशन किया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, हो सकता है जी। अब ध्यान दीजिए, आई हैव मच वाटर, वाटर हमारी ठीक है अनकाउंटेबल है, कि यहाँ सेंटेंस में अनकाउंटेबल होने के साथ साथ ये कैसा काम कर रही है बच्चों, यहाँ पर ये काम कर रही है ऑब्जेक्ट की तरह, जैसा कि हम जानते हैं, सो इट इज़ फंक्शनिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फॉर्म कौन सी है सेंटेंस की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फॉर्म है सेंटेंस की, एफर्मेटिव। तो क्या एफर्मेटिव फॉर्म में आप मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है नोट के अंदर कि मैनी और मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस की एफर्मेटिव फॉर्म के साथ नहीं किया जा सकता। सो वी कैन नॉट मैंशन, वी कैन नॉट इनेक्ट, वी कैन नॉट अप्लाई मच और मैनी प्रायर टू द ऑब्जेक्ट इन द एफर्मेटिव फॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट द रूल इन सेल्फ, तो अपने आप में रूल हो गया, समझ में आया नहीं आया? सो दिस वे आउट ऑफ दिस फॉर्मेशन, ये इसका तरीका है, तो ध्यान रखिए। तो अब आप कहेंगे सर तो कहाँ हम यूज कर सकते हैं बताइए, तो फिर क्या यूज होगा इसकी जगह, वाटर की जगह, ठीक है। तो ये बच्चों मैं आपको पार्ट टू में जब इनको मैं पढ़ाऊँगा मच और मैनी को, कि एडजेक्टिव के तौर पर हम इसका प्रयोग, सॉरी एडवर्ब के तौर पर प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और विस्तार से समझाऊँगा। तो यहाँ पर हम अगर ठीक करना चाहें तो क्या करें इसमें, यहाँ पर अगर हम ठीक करना चाहें इस चीज़ को, बताइए, अगर ठीक करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं ए लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ हमारा एक ऐसा फ्रेज हो गया जो दोनों के साथ अप्लाई होता है, चाहे काउंटेबल नाउन है चाहे आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ए लॉट ऑफ लगाएंगे, इनके कंपोनेंट आएंगे लेकिन इनका प्रयोग नहीं होगा, बात समझ गए, ये ध्यान रखें। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर जो हमने सीखा कि किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं मच और मैनी का नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में, जबकि एफर्मेटिव फॉर्म में इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, बात समझ गए। तो क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, आगे चल कर और विस्तार से मैं आपको टीच करूँगा, लेकिन पार्ट टू जरूर देखिए अगर पूरी नॉलेज देनी है। तो बच्चों पार्ट समाप्त हुआ आज के लेक्चर में, और पार्ट टू के साथ मैं आपके सामने जल्दी हाजिर होता हूँ, ठीक है। दोनों वीडियो में बैक टू बैक डालूंगा रेस्पेक्टिवली, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो चलिए आज के इतने काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड डे, थैंक यू।